नमस्कार साथियों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ही अपने SEF मैथमेटिक्स के बच्चों सॉल्यूशन चल रहे थे, उसका बच्चों एक पार्ट में आपके लिए और लेके आया हूं। इसके कुछ सॉल्यूशन आप देखिए, आज किस तरीके से क्या फॉर्मेट बनेंगे। आज ही क्वेश्चन नंबर, बच्चों यहां से कुछ कंफ्यूजन था बच्चों, इन क्वेश्चन को मैं पहले ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? फिर अपन आगे के पार्ट देखेंगे, धीरे धीरे बच्चों सारे पार्ट आ जाएंगे, सारा फॉर्मेट बन जाएगा। आज ये सबसे पहले अपन देखते हैं 101। माना एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। एबीसी क्या बच्चों? त्रिभुज की भुजाएं। अब देखो, त्रिभुज के अगर अपन बात करें, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हाँ जी, त्रिभुज की अगर भुजाओं की अगर अपन बात करें, तो थोड़ी देर के लिए अगर बच्चों इस तरीके से ले लें, यानी ये टू, ये टू, ये टू, या फिर बच्चों ऐसा त्रिभुज ले ले, इस तरीके से त्रिभुज ले ले जिसमें 3, 4 और 5 हो, या फिर बच्चों ऐसा त्रिभुज ले ले जिसमें ये दोनों बराबर हो। हाँ जी, 3, 4, 5 बिल्कुल अलग हो गया बच्चों। अगर फॉर्मेट ये ले ले, ये और ये, और इस तरीके से फॉर्मेट अगर ले ले, ये फॉर्मेट चले, यानी ये 2 बने और ये 2 बने बच्चों, 2, 2, और ये कितना ले ले बच्चों? 3 ले ले। हाँ जी, तीन तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं। पहला बच्चों इक्विलेटरल, या फिर क्या बन सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, और या फिर क्या बन सकता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, और इस तरीके से बच्चों ये राइट एंगल का भी काम करेगा या समकोण त्रिभुज का भी काम करेगा। तो बच्चों अगर ये वैल्यू सब में जो चलेगा, सब में सेटिस्फाई होगा, उसको अपन फाइनल आंसर करेंगे। दे रखा बच्चों a अपॉन b प्लस c माइनस a। बच्चों अगर ये केस लगाऊं तो बनेगा 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2, नंबर एक, प्लस बच्चों बनेगा 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2। हाँ जी, सेम चीज, 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2, ये केस आएगा। तो बच्चों यहां से 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, और यहां पर क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वलेंट लैम्डा, ग्रेटर देन इक्वलेंट लैम्डा। तो बच्चों यहां 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वलेंट लैम्डा, फॉर्मेट ये आएगा। बच्चों यहां पर लैम्डा की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो 3 के बराबर या 3 से छोटा, ये केस क्या कह रहा है बच्चों? 3 के बराबर या 3 से छोटा। लैम्डा की वैल्यू की अगर अपन बात करें यहां पर बच्चों, तो यहां पर 3 से छोटा या 3 के बराबर, पहला नंबर केस आपके सामने ये बनेगा। हाँ जी, दूसरे केस पे आते, अगर 3, 4, 5 है। हाँ जी, ए बी सी ये ले लिया, इधर से भी बच्चों ये ए ले लेते हैं, इधर से बी, और इधर से क्या हो गया बच्चों? सी। अच्छा, ए बी सी ये लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर चले, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग चले, तो यहां पर तो क्या कह रहा है? 3 से छोटा या बराबर, 3 से छोटा या बराबर, ये केस तो इसमें ये बन रहा है बच्चों। इधर की तरफ अगर चले, अच्छा कुछ बच्चे को कमेंट भी आए हुए नीचे मेरे आंसर किसके अंदर, क्या कि गुरुजी आपने 3 कैसे ले लिया, गुरुजी आपने 4 कैसे ले लिया? सबका अपना अपना एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं गुरुजी आपने तीनों बराबर कैसे ले लिया, वहां तो दे ही रखा है। बच्चों सारे केस लेके चलने, ध्यान रखना सारे, कुछ नहीं दे रखा है आपको। ये भी तो नहीं बोला गया कि ए बी सी तीनों अलग अलग होंगे, ये भी नहीं बोला गया, एबीसी अपन को मानना है, और उस मानने के बाद जो सबका कॉमन आंसर आएगा उसको अपन रखेंगे। हाँ जी, तो 3, 4, 5 वाले केस की अगर अपन बात करें, एबीसी यानी बच्चों 3 अपॉन, टोटल करके लिख रहा हूं, बी प्लस सी यानी 4 प्लस 5 बच्चों 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 बच्चों कितना हो जाएगा? 6, प्लस आगे बढ़ाते बच्चों बी, बी कितना बच्चों? 4 अपॉन सी प्लस ए, सी प्लस ए, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 बच्चों कितना आ जाएगा? 4, प्लस आगे बढ़ाते C कितना हो गया बच्चों? 5। हाँ जी, ये कितना हो गया? 5 अपॉन a प्लस b, a प्लस b यानी 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ाए, 3 अपॉन 6 बच्चों 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 5/2 बच्चों 2.5 और आधा कितना हो गया? 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। हाँ जी, लैम्डा लेस देन इक्विवेलेंट लैम्डा, तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्विवेलेंट यहां पर कितना हो गया बच्चों? यहां पर हो गया बच्चों 4। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं गुरुजी यहां लैम्डा बराबर 3 आ रहा है। हाँ जी, यहां पर लैम्डा की वैल्यू की अगर अपन बात करें, हाँ जी ये फॉर्मेट चलेगा, यहां पर लैम्डा लेस देन इक्विवेलेंट, या लैम्डा यहां पर देख लीजिए एक बार, लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से चल रही है, यहां पर बच्चों लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से चल रही है, साइन क्या दे रखा है? साइन में बदलाव अपन ने कर दिया, गलती कर दी बच्चों यहां पर, ये गलती है बच्चों, यहां आ जाइए, साइन क्या है बच्चों? ग्रेटर देन इक्विवेलेंट है, साइन क्या है बच्चों? ग्रेटर देन इक्विवेलेंट है, तो लैम्डा लेस देन इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों? 4। तो यहां पर क्या जिक्र हुआ? लैम्डा की वैल्यू 4 से छोटी या बराबर, लैम्डा की वैल्यू 4 से छोटी या बराबर, लैम्डा की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर,
इसमें भी 3 और छोटी से बराबर आ रही है, इसमें भी 4 और छोटी से बराबर आ रही है। तो अभी तक बच्चों इन दोनों केस में अगर अपन बात करें, चलो तीसरा केस भी ले लेते हैं एक बार, तीसरा केस भी लेते हैं फिर आगे जिक्र करेंगे। अगर 2 2 3 हो जाए यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, यानी सम द्विबाहु अगर त्रिभुज अगर हो जाए तो फिर उस केस के अंदर कैसा फॉर्मेट बनेगा। चलिए आज ही फॉर्मेट ये ए ए ये ए ले लेते हैं बच्चों, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ही ए यानी कितना हो गया बच्चों 2 अपॉन बी प्लस सी, 3 + 2 बच्चों 5 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस आगे बढ़े बच्चों बी, बी की वैल्यू की बात करें बच्चों कितना हो जाएगा 2 अपॉन। हाँ जी सी प्लस ए 3 + 2 बच्चों 5 5 माइनस 2 3 + 2 5 5 माइनस 2 बच्चों कितना हो जाएगा 3 प्लस आगे बढ़े बच्चों सी, सी की वैल्यू की बात करें कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, 3 अपॉन कितना 2 + 2 कितना 4 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 1 और ग्रेटर देन इक्विवेलेंट कितना बनेगा बच्चों लैम्डा, ये 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 यानी 4 अपॉन 3 प्लस कितना हो गया बच्चों 3 ग्रेटर देन इक्विवेलेंट लैम्डा। हाँ जी 1 point something आएगा बच्चों, लैम्डा लेस देन इक्विवेलेंट कितना 3 into 3 9 9 + 4 13 13 upon 3। तो बच्चों अब इन सब केस के अंदर से जो कॉमन आ रहा है, इन सारे केस के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे, सारे केस के अंदर से जो कॉमन आ रहा है ना उसको सिलेक्ट करो। बच्चों ये क्या कह रहा है, ये एक लाइन है बच्चों रियल नंबर है, ये कितना है 0 है, ये कितना है बच्चों 3 है, ये कितना है बच्चों 4 है, ये कितना है 13 upon 4 मतलब 4 point something यहां होगा बच्चों, ये फॉर्मेट हो गया। हाँ जी 3 से छोटा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर में से भी बच्चों ये तो आ ही रहा है। हाँ जी जो काम इसमें चल रहा है ना वो काम बच्चों इसमें भी तो चल ही रहा है और वो काम बच्चों इसमें भी तो चल ही रहा है, तो अपन को क्या चाहिए बच्चों लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो सब में कॉमन। हाँ जी कहीं नहीं दिया गया सब अलग अलग लो, कहीं नहीं दिया गया सब सेम लो, कहीं नहीं दिया गया, तो बच्चों जब कहीं नहीं दिया जाता है तो सब चांस होंगे, ध्यान रखना सब चांस होंगे। अपना अपना व्यू देने से पहले बच्चों अपन को रीजन देने पड़ेंगे कि रीजन क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि 3 के बराबर तो इसमें भी है बच्चों, 3 के बराबर तो इसमें भी है बच्चों, और 3 के बराबर तो इसमें भी है बच्चों, 3 के बराबर तीनों केस में है। पर अगर मैं बोलूं कि लैम्डा की वैल्यू 4 है तो क्या वो इसमें है क्या, नहीं है, क्या वो इसमें है क्या, यस इसमें है क्या, यस, पर इसमें नहीं है, एक में नहीं है तो वो गलत है बच्चों। अगर मैं बोलूं लैम्डा की वैल्यू 13 upon 3 है तो क्या 13 upon 3 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। तो बच्चों ऐसा लो ऐसी वैल्यू आएगी इसका आंसर, लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा है तो ऐसा आंसर आएगा बच्चों जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें तीनों में हो, तो क्या आ रहा है बच्चों लैम्डा बराबर 3 इसके अंदर परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा लैम्डा इक्विवेलेंट 3 यानी जो ऑप्शन मैंने बताया था बच्चों वो 100% बच्चों सही है, बाकी रीजन मैंने आपको सामने रख दिए। अब यह मत बोलना गुरु जी वहां नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग लो बच्चों एबीसी एबीसी अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। और अगर नहीं दिया तो अपन सब लेंगे, बराबर भी लेंगे नॉट इक्विवेलेंट भी लेंगे, सारे चांस जितने भी त्रिभुज बनते हैं इस दुनिया में वो सब लेके देखना है, और सब लेके देखेंगे तो फॉर्मेट ये आएगा 3 से छोटा 4 से छोटा 5 छोटा 6 छोटा 3 से छोटा या बराबर है तो बिल्कुल बच्चों इसको अपन शामिल करेंगे। हाँ जी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, फिर फॉर्मेट आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आते हैं 102, इसमें भी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। हाँ जी इस क्वेश्चन पे भी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी ऐसा नहीं ऐसा कर दे ऐसा कर दे, लो जी यहां आ जाते फॉर्मेट क्या कह रहा है। हाँ जी 2x² + 5x + k कितना है बच्चों 0, इसके दो रूट है, एक का नाम बच्चों अल्फा और एक का नाम बीटा बच्चों, प्लस माइनस प्लस क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -5/2, अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा बच्चों k/2। हाँ जी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। अब चलिए जी आगे बढ़ाते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वलेंट बच्चों 21/4 हाँ जी इक्वलेंट कितना बन रहा है 21/4 ये दे रखा है बच्चों। हाँ जी किसकी वैल्यू चाहिए, के का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बच्चों के का मान, इसमें के की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हाँ जी इसको ओपन करो ये आ जाना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा बिल्कुल बच्चों ये आ जाएगा, प्लस कितना हो गया अल्फा बीटा, इक्विवेलेंट कितना हो गया 21/4। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही बच्चों कितना हो जाएगा 25/4,
दोनों मिलके बच्चों माइनस अल्फा बीटा। अच्छा माइनस अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों के अपॉन टू है, तो ये के अपॉन टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन मिलके ये आ जाएगा, इक्वलेंट बच्चों कितना हो गया 21 अपॉन 4। आज इधर ले लीजिए 25 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4, इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों के अपॉन टू हो गया। आज ये 25 माइनस 21 बच्चों 4 अपॉन 4, इक्वलेंट बच्चों के बाई टू आ जाएगा, 4 से 4 खत्म बच्चों, के बराबर आंसर निकल के आएगा कितना बच्चों 2। K की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2, कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट। हाँ जी बहुत सारे बच्चे सुझाव भी दे रहे गुरुजी ये आंसर आएगा गुरुजी वो आंसर आएगा, बच्चों बहुत बढ़िया बात है, पर एक चीज मेरी भी सुनो आप, क्या कि आपने जो एग्जाम में सही लगा दिया वो सही नहीं है, आप बोलते हो उसकी वजह से मैं भी चेक करता हूं वापस क्वेश्चन, कहीं मेहनत गलती नहीं कर दी है। हाँ जी मेरी जो गलती वो मैंने कमेंट करके डाल रखे बच्चों, और भी जो गलती पकड़ में आएगी उसको मैं वापस और कमेंट करके डालूंगा, पर मैं बच्चों आपसे भी एक चीज कह रहा हूं कि पहले उस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए। इसमें भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आंसर फोर्थ आएगा सर, ठीक है ना, तो ये एक बार चेक जरूर कीजिए आप कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट बनेगा। ये आपका कौन सा 102 के अंदर मैंने जो ऑप्शन लगाया बच्चों वो लगाया था बच्चों 2, यानी ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने लगवाया है और ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जी तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चलिए जी आगे बढ़ते। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा विवाद है, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहे हैं गुरुजी ये क्वेश्चन सही है, गुरुजी ये क्वेश्चन सही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पहले कहीं कर रखा है तो उन्होंने क्या किया अपनी तरफ से मॉडिफाइड कर दिया, क्या कि सर ये प्लस यहां लग जाएगा ये यहां लग जाएगा, अरे वो सब सही है, प्लस वहां लग जाएगा या प्लस वहां लग जाएगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। क्या हर बच्चा ये जानता है क्या प्लस यहां लग जाएगा या यहां से यहां आ जाएगा और यहां से यहां आ जाएगा, भाई गलती है वो गलती है। यहां पर ये समझ नहीं आ रहा है बच्चों a अपॉन वन प्लस, ये वन में प्लस है, हाँ जी इस वन में प्लस है या फिर ये प्लस यहां पर है, और अगर प्लस यहां पर है ये वन लिखने का क्या सेंस है, और अगर ये नीचे है तो फिर उसका सेंस क्या है। हाँ जी इस क्वेश्चन को मैंने बोनस बोला है, उसके पीछे रीजन क्या है, कोई एक पर्टिकुलर बच्चा ऐसा सोचता है कि भाई मैंने ये कर रखा और इसका मतलब ये होगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, पर बच्चों क्वेश्चन में बदलाव थोड़ी कर सकते हैं अपन, क्वेश्चन तो जो आया है ना वही तो फाइनल है। भाई कोई बच्चा आके बोले सर गुरुजी क्वेश्चन में फाइनल कर देंगे ये कर देंगे, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन में बदलाव नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इसके अंदर बोनस रहेगा। हाँ जी इसके अंदर क्या रहेगा, बोनस रहेगा। रीजन क्या है, अपन को बदलाव करके उसका आंसर नहीं निकालना है। हाँ मुझे भी आती है मैथ, तो बहुत सारे बच्चे सुझाव दे रहे कि गुरुजी ऐसे कर देते, तो बच्चों मैथ तो मेरे को भी आती है, इतने सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो इसको इस क्वेश्चन को बदलाव करके मैं भी करवा सकता हूं, ठीक है, पर यह फॉर्मेट बच्चों गलत है, ठीक है, फिर भी अपन वेट करेंगे किसका बच्चों आरपीएससी आंसर किस क्या देती है किस तरीके देती है, बिल्कुल अपन वेट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। और बच्चों ऐसे जो गलत गलत क्वेश्चन जितने भी आए उनको सही करके मेरा एक वीडियो आएगा, उनको सही करके बिल्कुल मैं एक वीडियो लाऊंगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है आगे क्वेश्चन भी बताने, तो उनको सही करके मैं एक वीडियो लाऊंगा, जो गलत गलत क्वेश्चन है उनका भी मैं आपके पास लेके आऊंगा, लगभग 5-6 क्वेश्चन बच्चों गलत है इस पेपर में, तो वो बिल्कुल अपन डिस्कस करेंगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ जी इस मैट्रिक्स की रैंक चाहिए बच्चों, रैंक चाहिए, ए गिवन है बच्चों, हाँ जी इस मैट्रिक्स की क्या चाहिए बच्चों, रैंक चाहिए, और क्या गिवन है बच्चों, ए गिवन है, ए कितना गिवन है बच्चों 2, 4, 5, हाँ जी 4, 8 और 10 और -6, -12 और -15 बच्चों, इस कंसेप्ट का एक रूल है, जीरो बनाने वाला मेथड है। अब जीरो कैसे बनाते हैं सुनिए, हाँ जी अगर बच्चों मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दूं और ये माइनस ये कर दूं, 4 - 4 जीरो हो जाएगा बच्चों, 8 - 8 कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और 10 - 10 कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। हाँ जी एक तो कंसेप्ट ये बन गया, अगर बच्चों इसका मल्टीप्लाई अगर मैं -3 से कर दूं, -3 या फिर एक काम करो 3 से कर दूं, अगर 3 से कर दूं और इन दोनों को जोड़ दूं, 3 × 2 = 6 ये जीरो, 3 × 4 = 12 ये जीरो और ये जीरो, मतलब ये तीनों वैल्यू जोड़ने पे ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों जीरो हो जाएगी, ये तीनों वैल्यू जीरो 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 हो जाएगी। अब रूल ये कहता है मैथ का बच्चों 2 के इधर जीरो, ये दोनों ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे, मतलब ये 4 और ये 5 क्या होगा जीरो। हाँ जी कितना एलिमेंट बचा 1, तो रैंक ऑफ ए कितना निकल के आएगा बच्चों 1, तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1, हाँ जी 1 आंसर इसका आ जाएगा। और इसमें मैंने जो ऑप्शन दिया है वो भी क्या दिया है बच्चों 1 ही दिया है,
यानी फर्स्ट में वन आ रहा है और वन उसकी क्या है बच्चों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बाकी दूसरा मेथड बच्चों डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखना। हाँ जी आगे बढ़ते बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगाना है, ऑप्शन सामने रख रहा हूं मैं, फॉर्मेट रेडी करना। हाँ जी इस क्वेश्चन के अंदर हिट एंड ट्रायल लगाना, हिट एंड ट्रायल का फॉर्मेट क्या चलेगा, कैसे चलेगा। हाँ जी देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है बच्चों, अपन को वैल्यू निकालनी एक्स वाई जेड ऑप्शन में भी, एक्स वाई जेड क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले एक्स बराबर वन, वाई बराबर वन और जेड बराबर वन लगा दिया। जीरो 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 नहीं लगा सकते क्योंकि इनफाइनाइट का चक्कर आ जाएगा, इसलिए वन 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 लगा देते। वन 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 लगाऊं तो बच्चों टू वन वन, हाँ जी वन टू क्या बनेगा बच्चों, टू यहां पर क्या आ जाएगा वन टू वन और क्या बनेगा वन वन टू, ये बन गया बच्चों। अब इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू बनेगी ना वो ऑप्शन के डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब अपन सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, वन 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 बच्चों इस ऑप्शन का मतलब थ्री है। हाँ जी वन 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 कितना, थ्री, थ्री प्लस वन फोर और ये वन वन, यानी इस ऑप्शन का मतलब फोर है। वन 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 गुणा करेंगे वन आएगा और ये कितना बच्चों फोर है। कितने ऑप्शन रिस्क ले रहे अपन, दो ऑप्शन, पर बच्चों दो ऑप्शन से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो बच्चों। टू के लिए ओपन, ये खत्म फोर माइनस वन बच्चों थ्री, माइनस वन के रेस्पेक्ट में ये खत्म टू माइनस वन बच्चों वन, प्लस वन के रेस्पेक्ट में ओपन करें तो ये खत्म वन माइनस टू बच्चों माइनस वन, यानी टोटल बच्चों सिक्स माइनस वन माइनस वन, टोटल कितना आया बच्चों फोर। पर रिस्क हो गई बच्चों, कितने दो तो घट गए बच्चों, एक थ्री आ रहा है इसलिए गलत, एक बच्चों आपका वन आ रहा है इसलिए गलत, और जो गलत हो गए वो वापसी कभी नहीं करेंगे, जो गलत हो गए वो वापसी कभी नहीं करेंगे। अब कौन से ऑप्शन बचे, फोर ये भी आ रहा है फोर ये भी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब कहां चले, वापस जीरो लेवल पे चले जाते हैं। हाँ जी यहां पर वन की जगह क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, इधर भी क्या लगा दीजिए टू लगा दीजिए, इधर भी क्या लगा दीजिए टू लगा दीजिए। टू से इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये थ्री और ये थ्री आ जाएगा। अच्छा टू से इसके जो दो ऑप्शन बच गए, ध्यान रखना बच्चों हिडन ट्रायल का रूल है, जो कट गए वो कट गए और जो बच गए उनके अंदर ध्यान देना है। तो बच्चों ये जो दो ऑप्शन बच गए ना, ये जो दो ऑप्शन बच गए, हाँ जी इनका मतलब क्या है, जब मैंने टू 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 लगाया, जब मैंने टू 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 लगाया इस फॉर्मेट पर आइए, ये खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म। हाँ जी टू 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 लगाया तो वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू, टोटल मिला के बच्चों आधा आधा आधा, डेढ़ डेढ़ प्लस एक बच्चों ढाई, और ये बच्चों कितना हो गया टू टू टू, यानी कितना हो गया बच्चों एट इंटू कितना ढाई ढाई, यानी फाइव बाई टू बच्चों, इसे खत्म फोर, फोर इंटू फाइव कितना हो गया ट्वेंटी, ये बच्चों ट्वेंटी है ऑप्शन। अच्छा इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब वही ढाई है बच्चों, कितना फाइव पॉइंट टू, तो ये ऑप्शन तो बच्चों 20 और ये ऑप्शन ढाई है, ढाई यानी 5 अपॉन 2। अब जो ऑप्शन अपन को देगा वो सही है, क्या लिखेंगे बच्चों प्लस माइनस प्लस, 3 के लिए ओपन ये खत्म 3 इंटू थ्री 9 माइनस 1 बच्चों 8, माइनस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन ये खत्म 3 माइनस 1 बच्चों 2, प्लस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन बच्चों ये खत्म 1 माइनस 3 बच्चों माइनस 2। हाँ जी 8 इंटू 3 बच्चों 24, माइनस 2 माइनस 2, टोटल मिला के बच्चों 20, आंसर कितना आ रहा है बच्चों 20, कौन सा ऑप्शन दे रहा है 20, ये 100% ये सही है बच्चों, ये क्या है बच्चों गलत है। हाँ जी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, हिट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो, 6 सेकंड में आंसर ले जाओ, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्ब्डा के किस वास्तविक मान के लिए निम्न समीकरण निकाय का अतुच्छ हल है। अतुच्छ का मतलब होता है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए। हाँ जी इक्वेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, होमोजीनियस होनी चाहिए, समघाती होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। दूसरा होमोजीनियस के अंदर दो ही सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है बच्चों यूनिक और एक क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट, एक तो यूनिक होता है और एक इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट होता है इसको बोलते हैं बच्चों नॉन ट्राइवल, क्या बोलते हैं बच्चों नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं अतुच्छ, क्या बोलते हैं अतुच्छ। ये यूनिक जो होता है वो तुच्छ होता है क्योंकि x बराबर y बराबर z बराबर 0 आता है बच्चों 3 बाई 3 में, ध्यान रखना। और ये क्या कहलाता है नॉन ट्राइवल या अतुच्छ कहलाता है। तो बच्चों पहले तो होमोजीनियस बढ़ाते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों 1 माइनस लेमड़ा इंटू एक्स प्लस बच्चों 2y प्लस बच्चों 3z इक्वल एंड 0। हाँ जी इधर से बच्चों 3x प्लस बच्चों 1 माइनस लैम्ब्डा वाई और प्लस का बच्चों 2z इक्वल एंड 0। हाँ जी 2x प्लस 3y प्लस z बार 1 माइनस लैम्ब्डा और z बार इक्वल एंड 0। हाँ जी बच्चों ये अतुच्छ हल की बात कर रहा है। अतुच्छ हल किसमें होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जब यहां है तीनों वैल्यू 0 0 0 आती है। इसमें सॉल्यूशन क्या है बच्चों इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब बनता है, जब बच्चों डेल्टा, इनफाइनाइट कब बनता है, जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो बच्चों 0 हो। और डेल्टा क्या होता है,
आज एक्स का कोफिशियंट 1 माइनस लैम्बडा 3 एंड 2, बच्चों ये बनेगा 2 1 माइनस लैम्बडा एंड 3, आज ही फॉर्मेट ये बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट को बच्चों आगे बढ़ाते, फिर लास्ट एंड फाइनल क्या बनेगा बच्चों, 3 2 और 1 माइनस लैम्बडा, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0। अब यहां पर भी बहुत सारे तरीके बच्चों, यहां पर भी बहुत सारे तरीके, क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैम्बडा की जो वैल्यू है ना मेथड से निकालते, और बहुत सारे बच्चे करते हैं वैल्यू उठाकर पुट कर देते, आपके ऊपर डिपेंड है, जिसमें आपका टाइम बचे ना उसके हिसाब से चलने चलिए। चलो पहले तो एक काम करते हैं, 1 माइनस लैम्बडा ये खत्म, ये खत्म, कितना बच्चों 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, 3 इंटू 2 बच्चों माइनस 6, माइनस 2 के रेस्पेक्ट में ओपन करें, ये खत्म, ये खत्म बच्चों, 3 माइनस 3 लैम्बडा, 3 माइनस 3 लैम्बडा, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस 3 के रेस्पेक्ट में ओपन करें तो बच्चों ये खत्म, ये खत्म, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्बडा, हाँ जी इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, 0, फॉर्मेट ये बन गया। चलिए आगे बढ़ाते, 1 माइनस लैम्बडा, ये 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, माइनस 6 एज इट इज रहने दो बच्चों, ये एक काम कीजिए, माइनस 3 लैम्बडा, 3 माइनस 4 माइनस, माइनस माइनस प्लस बच्चों 2 बार ले लेते, और यहां से बच्चों 3 लैम्बडा, 3 माइनस 4 माइनस 1, पर माइनस बार ले चुके हैं तो कितना आएगा बच्चों प्लस 1, प्लस का बच्चों 3, हाँ जी 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 7, यानी 2 लैम्बडा प्लस 7 इक्वल एंड 0। अब बच्चों ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक तरीका ये एक बड़ी सी इक्वेशन बनाए और सोल्व करे, और आंसर क्या दे रखा है, 3 6 माइनस 3 2, हाँ जी 3 6 माइनस 3 और माइनस 2, हाँ जी ऑप्शन देख लेते, 3 6 3 6 माइनस 3 और माइनस 2, 3 6 माइनस 3 और माइनस 2। अब इनमें से यहां वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो भी हिडन ट्रायल है बच्चों, तो भी हिडन ट्रायल है, वैल्यू उठा के पुट, जैसे 3 पुट करते हैं, बोलो 1 माइनस 3 बच्चों माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 6 बच्चों माइनस 2, हाँ जी 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 सॉरी 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, हाँ जी 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 बच्चों 6 प्लस 7 13, 13 इंटू 3 बच्चों 39, ये बन गया बच्चों, ये बच्चों माइनस का बहुत कम है, प्लस का बहुत ज्यादा है, ये गलत, हाँ जी अगर अपन 6 ले, माइनस 3 ले, माइनस 2 ले, तो ऐसे भी वैल्यू ले सकते हैं बच्चों। अब इसमें से जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आ जाएगा, चलो 6 ले, 1 माइनस 6 बच्चों माइनस 5, 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 6 बच्चों 19, प्लस आगे बढ़ाइए, इधर बच्चों 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 1 19, 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 38, हाँ जी इधर बच्चों लैम्बडा की वैल्यू कितनी 6, 6 इंटू 2 बच्चों 12, 12 प्लस 7 बच्चों 19, 19 इंटू 3 बच्चों 57, ये हो गया। अच्छा ये बच्चों कितना है 19 इंटू 2 है, ध्यान रखना 19 इंटू 2, और ये क्या है बच्चों 19 इंटू 3 है बच्चों, और ये कितना है बच्चों 19 इंटू 5 है, और ये किसका है बच्चों माइनस, तो ये दो और ये तीन मिलके किससे कट जाएंगे बच्चों 5 से, मतलब ये आंसर बिल्कुल 100% आपका सही है, कौन सा बी ऑप्शन, बिल्कुल बच्चों यहां पर 100% आपका आंसर सही है, समझ में आ गया होगा 100% किस तरीके से किया। तो बच्चों अलग अलग जुगाड़ है मैथमेटिक्स में, मेथड कोई दिक्कत नहीं करता, मेथड तो आता है सबको आता है, इक्वेशन सॉल्यूशन सबको आता है, पर जुगाड़ निकालना जरूरी है, जुगाड़ किस तरीके से करेंगे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, हाँ जी इसको क्रैमर रूल से किया जा सकता है, क्या बोला असंगत या इनकंसिस्टेंस, और ये क्या होता है बच्चों नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना ये क्या होता है बच्चों नो सॉल्यूशन, ये भी 6 सेकंड में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। बच्चों कुछ क्वेश्चन टाइम खाएंगे, कुछ क्वेश्चन को टाइम बचाना है, जहां बचा है उस बचे हुए टाइम को दूसरे क्वेश्चन में लगा दीजिए, यही बच्चों मैथ का रूल है। हाँ जी असंगत हल, तो बच्चों ध्यान रखना डेल तो जीरो, और डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड में से कम वन, एटलीस्ट वन, ये सब मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखा है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, हाँ जी कम से कम एक नॉन जीरो, तो सबसे पहले तो डेल्टा तो जीरो है बच्चों, डेल्टा जीरो है, डेल्टा कितना आएगा इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 1 1, इधर बच्चों 1 2 2, हाँ जी फिर बच्चों 1 3 और लैम्बडा, तो एक चीज है बच्चों लैम्बडा बराबर आएगा, लैम्बडा बराबर आएगा, तो ये गलत बच्चों और ये गलत, लैम्बडा बराबर आएगा, लैम्बडा बराबर, क्योंकि जब इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्बडा की वैल्यू बराबर आएगी। अब इसके ऑप्शन ही कुछ ऐसे फटाफट आंसर आ जाते हैं, तो लैम्बडा 3 सही है, लैम्बडा 3 सही है। अब म्यू की वैल्यू की बात रही तो डेल एक्स नॉट इक्वल एंड जीरो, डेल एक्स नॉट इक्वल एंड जीरो ये कहता है, कोई भी एक नॉट इक्वल एंड जीरो तो वो तो मैं लूंगा बच्चों, हाँ जी जो भी हो नॉट इक्वल एंड आएगा कुल मिला के बाद, और डेल एक्स क्या होता है, हाँ जी या एक काम करते हैं बच्चों डेल एक्स जगह डेल जेड ले लो, ताकि लैम्बडा भी निपट जाए, दोनों काम हो जाए, डेल जेड ले जाइए तो कितना हो जाएगा 1 1 1, ये सेम 1 2 2, ये सेम, हाँ जी 1 3 लैम्बडा की जगह 6 10 म्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 10 म्यू,
जो राइट हैंड साइड है वो इधर आ जाएगा, और ये क्या बच्चों नॉट इक्वलेंट जीरो, तो म्यू यहां पर क्या आएगा बच्चों नॉट इक्वलेंट आएगा, लेमडा यहां पर क्या आएगा बच्चों इक्वलेंट आएगा, कितना आएगा मुझे नहीं पता और पता करना भी नहीं, हाँ जी लेमडा इक्वलेंट आएगा और म्यू नॉट इक्वलेंट आएगा, लेमडा इक्वलेंट आएगा और म्यू नॉट इक्वलेंट आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन एक्जेक्टली इसका सही है। कंसेप्ट समझना है, इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फेवरेट है बच्चों आरपीएससी का, पूछा जाता है और अपन को रेडी करना है। हाँ जी समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। हाँ जी फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। हाँ जी इस क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो ए एक्स बराबर बी है, ए कितना है बच्चों, ए गिवन है 1, 0 एंड 1, फिर गिवन है -1, 1 एंड 1, फिर 0, -1 एंड 1, और बच्चों x का मतलब होता है x y z, ध्यान रखना x का मतलब x y z, और इक्विवेलेंट बच्चों कितना है b, कितना गिवन है बच्चों b, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, 1 है और 7 है। हाँ जी इससे एक इक्वेशन बना लो, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी x माइनस y इक्विवेलेंट 2 बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे बच्चों y माइनस z इक्विवेलेंट 1 बनेगा, और लास्ट x प्लस y प्लस z इक्विवेलेंट कितना बनेगा बच्चों 7 बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको भी सोल्व करने बैठते हैं, ये किसकी वैल्यू बच्चों x y z, ध्यान रखना ये बंडल किसका है बच्चों x y z का बंडल है, तो यहां से x y z उठा के इक्वेशन में पुट कर दो। चलो ये ले लेते हैं, तीनों जोड़ो, x y z है तीनों जोड़ो, तीनों जोड़ेंगे 3, ये कितना है बच्चों 7, ये गलत। हां जी -4 + 2 + 1 क्या 7 आएगा क्या, नहीं। हाँ जी 4, 2, 1 बिल्कुल बच्चों 7 आएगा, 4 - 2, 1 क्या 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब बच्चों क्या ये इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाई करेगी क्या, दोनों जो बची उनको, बिल्कुल बच्चों सेटिस्फाई करेगी, और 6 सेकंड का ये भी क्वेश्चन बन गया, क्या 4 - 2, 2 आएगा बच्चों सही है, और 2 - 1, 1 आएगा बच्चों, सब इक्वेशन को ये क्या करेगा सेटिस्फाई, और वैसे भी बच्चों अपने पास कोई दूसरा यहां पर ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसलिए आंसर इसका परफेक्ट कौन सा है, बी आंसर इसका बिल्कुल 100% क्या है बच्चों सही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, आज इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, आज ये जो C1 है ना उसके अंदर C1 + C2 + C3 कर लो, सीधा सा आंसर बन जाएगा, C1 के अंदर C2 + C3, हाँ जी इसमें सब जोड़ने हैं, इसमें सब जोड़ने हैं, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बच्चों कितना आएगा 0, वैसे वैसे इसमें वाई से वाई, जेड से जेड, एक्स से एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों 0, हाँ जी पी क्यू से क्यू, आर से आर, पी से पी, कितना आ जाएगा बच्चों 0, बाकी इधर बच्चों बी माइनस सी, इधर बच्चों वाई माइनस जेड, इधर बच्चों क्यू माइनस आर, शायद मेरे हिसाब से आगे का टाइम वेस्ट हो रहा है, करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एक रो के अगर सारे एलिमेंट 0 है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, यानी आंसर कौन सा सही है बच्चों इसका, सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। हाँ जी फिनिशिंग आ रही होगी, फॉर्मेट क्या है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी थे, ये क्वेश्चन काफी इजी थे, फॉर्मेट ये बनेगा, यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, किसी त्रिभुज अवयव के अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल इसके अवयव होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण लैम्डा की वैल्यू बच्चों, किसी त्रिभुज अवयव, अच्छा त्रिभुज अवयव क्या होती है देखो, ए बराबर ये लिखा बच्चों 1, 0, 2, 3 ये लिख दिया, किसी त्रिभुज अवयव के अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है बच्चों, ए माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ए माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा, हाँ जी 1 - λ 0, 2 और 3 - λ, आज इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, यानी 1 - λ (3 - λ) = 0, यानी लेमडा की वैल्यू एक तो 1 आएगी और लेमडा की वैल्यू एक 3 आएगी, तो ये क्या है बच्चों डायगनल एलिमेंट, विकर्ण के एलिमेंट, प्रथम पंक्ति में है नहीं है, प्रथम स्तंभ में है नहीं है, प्रथम स्तंभ में नहीं, द्वितीय विकर्ण के अनुदिश है, द्वितीय विकर्ण बच्चों ये होता है तो ये भी नहीं है, मुख्य विकर्ण के अनुदिश है, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है, प्रिंसिपल डायगनल कहलाता है बच्चों, और बिल्कुल सही है लैम्डा इक्विवेलेंट 1 और लैम्डा इक्विवेलेंट 3, 100% कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इसका 100% सही है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी वक्र गिवन है, वक्र गिवन है कितना बच्चों, वक्र गिवन है एस इक्विवेलेंट ए लॉग बेसी, कुछ बच्चों के इस क्वेश्चन में भी कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी आपने गलत करवा दिया, देख लेते हैं बच्चों, 10π/4 + π/2, हाँ जी फॉर्मेट ये बनेगा, प्लस बच्चों 2 tan ψ, और कितना बनेगा बच्चों sec ψ, फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों क्या पूछा है, वक्रता तिरजा क्या होता है, रो होता है, और रो क्या होता है बच्चों ds/dψ, ध्यान रखना वक्रता तिरजा क्या होता है ds/dψ, फॉर्मेट ध्यान रखना ds/dψ क्या होता है बच्चों रो को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों ds/dψ चाहिए इसमें, ds/dψ चाहिए। चलिए जी एक एक कंसेप्ट आगे बढ़ाते, ए लॉग का डिफरेंशिएशन 1/10π/4 + ψ/2, नंबर एक, हाँ जी लॉग का ये टेन का बच्चों कितना बन जाएगा sec² और π/4 + ψ/2,
हाँ जी फॉर्मेट ये आ जाएगा। प्लस बच्चों इसका वापस करना, पाई बाई फोर का जीरो और साई बाई टू का कितना हो गया बच्चों वन अपॉन टू। हाँ जी यहाँ आ जाइए, टू टेन साई एज इट इज, टू टेन साई एज इट इज, और सेक साई का सेक साई टेन साई, सेक साई टेन साई, एक टेन साई को तो ऊपर चढ़ा दिया और इधर कितना हो गया बच्चों सेक साई, एज इट इज कौन रहेगा बच्चों टू सेक साई, ये एज इट इज रहेगा, और टेन साई का सेक स्क्वायर साई, टेन साई का सेक स्क्वायर साई, टोटल मिला के बच्चों सेक क्यूब साई, फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। क्या चाहिए बच्चों डीएस अपॉन डी साई। हाँ जी इधर एक काम करते बच्चों, ये टू है, टेन को क्या लिखते हैं साइन अपॉन, हाँ जी टेन को क्या लिख सकते हैं साइन, यानी ये बन जाएगा बच्चों टेन का अपन लिख सकते हैं कोस पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। हाँ जी नेक्स्ट फॉर्मेट इधर लिख सकते हैं बच्चों साइन पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू नंबर दो। हाँ जी इसको लिख सकता हूं वन अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। हाँ जी फॉर्मेट ये बनेगा, इन टू कितना हो गया बच्चों वन अपॉन टू। अच्छा जी इधर देखिए थोड़ा सा कुछ कॉमन ले सके, थोड़ा कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों टू सेक साई, यहां पर क्या बन जाएगा टू सेक साई कॉमन आ जाएगा, टू सेक साई इक्वलेंट क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर टेन स्क्वायर साई। हाँ जी टेन स्क्वायर साई प्लस सेक स्क्वायर साई, तो कोई फॉर्मूला तो नहीं बना बच्चों यहां पर, टेन स्क्वायर साई प्लस सेक स्क्वायर साई का कोई कंसेप्ट नहीं बना। अच्छा पर यहां बन गया बच्चों, इससे एक से एक खत्म हो जाएगा, ये टू साइन थीटा कोस थीटा मिलके, टू साइन थीटा कोस थीटा मिलके, यानी डीएस अपॉन डी साई इक्वलेंट बच्चों ए, ये बार पढ़ाई है, इधर से इन दोनों को मिला लीजिए। हाँ जी ऊपर से, अच्छा ए बच्चों इसके साथ भी था, यहां अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बच्चों, ये कितना था बच्चों टू नहीं था ए था बच्चों, ध्यान रखना ये ए था, तो यहां पर भी कितना आएगा दोनों जगह पे ए ए आ जाएगा बच्चों, ये भी ए आएगा और ये भी ए आएगा। लो जी आगे बढ़ाते हैं, ये भी आपका कितना बाहर की तरफ जो निकलेगा वो कितना आएगा बच्चों ए, बाकी तो कहीं बदलाव किया नहीं अपन ने, तो ये बनेगा तो ए बार बच्चों। और ये जो चीज है इसको देखो टू साइन थीटा कोस थीटा, यानी बच्चों साइन टू थीटा, टू थीटा, थीटा यानी बच्चों पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, फॉर्मेट ये आ जाएगा। प्लस बच्चों यहां पर कितना हो गया एक सेक साई और टेन स्क्वायर साई, और प्लस कितना हो गया बच्चों सेक स्क्वायर साई, ट्रिग्नोमेट्रिक है, छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखी है, कंसेप्ट आ जाएगा। हाँ जी डीएस अपॉन डी साई इक्वलेंट कितना बच्चों ए, हाँ जी टू को अंदर भेजो कितना हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाई टू प्लस साई, फॉर्मेट ये बनेगा साइन पाई बाई टू प्लस साई, प्लस कितना बच्चों ए सेक साई, और कितना होगा बच्चों टेन स्क्वायर साई प्लस सेक स्क्वायर साई, फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए, डीएस अपॉन कितना हो गया बच्चों डी साई, एक छोटा सा काम साइन पाई बाई टू साई बच्चों कोस साई, हाँ जी कितना हो जाएगा कोस साई प्लस ए सेक साई, एक छोटा सा और काम कर रहा हूं, थोड़ा इधर का बार दूर हो गया, इधर आ जाओ बच्चों साइन स्क्वायर साई अपॉन कोस स्क्वायर साई नंबर एक, प्लस बच्चों वन अपॉन कोस स्क्वायर साई, ये फॉर्मेट बन जाए क्योंकि ऐसा कुछ आंसर में नहीं आ रहा है। लो जी आगे बढ़ाते ये ऊपर जाके कितना बनेगा बच्चों सेक साई, हाँ जी ऊपर जाके कितना बनेगा सेक साई, तो बार आ जाएगा बच्चों ए सेक साई बार, बार क्या आ जाएगा ए सेक साई बार आ जाएगा। अब बच्चों यहां कितना बचा वन बचा, ए सेक साई बार हो गया यानी साइन स्क्वायर साई प्लस वन अपॉन कितना हो गया बच्चों कोस स्क्वायर साई, आराम से चलिए फॉर्मेट ये आ जाएगा ए सेक साई बार आ गया। हाँ जी डीएस अपॉन डी साई इक्वलेंट कोस साई को बाहर लाओ, बाहर लाओ यानी एलसीएम ले लो, ए सेक साई बच्चों ये क्या हो गया कोस स्क्वायर साई प्लस बच्चों साइन स्क्वायर साई और प्लस बच्चों वन अपॉन कितना हो गया कोस स्क्वायर साई, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी दोनों मिलके बच्चों वन, कोस स्क्वायर साई ऊपर जाके क्या बनेगा कोस स्क्वायर साई ऊपर जाके बनेगा सेक स्क्वायर साई यानी ए सेक क्यूब साई, तो ये हो गया बच्चों दोनों मिलके वन, वन और वन कितना हो गया बच्चों टू हो गया, यानी इसका डीएस अपॉन डी साई कितना आएगा टू ए सेक क्यूब साई। हाँ जी क्या बनेगा टू ए सेक क्यूब साई, ऐसा आंसर आना चाहिए कितना टू ए सेक क्यूब साई। अच्छा और टॉप लेवल का क्वेश्चन है बच्चों टू ए सेक क्यूब साई, कौन सा आंसर है इसका टू ए सेक क्यूब साई, रो पूछा है टू ए सेक क्यूब साई, तो इसमें भी कुछ बच्चों का विरोध आ रहा है, तो बिल्कुल बच्चों ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है टू ए सेक क्यूब साई, यानी कौन सा आंसर सही है इसके अंदर, आंसर आपका थर्ड नंबर एग्जैक्टली इसके अंदर सही है। हाँ जी चलिए फिर आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, क्या कह रहा है। हाँ जी ध्रुव से होकर जाने वाले कार्डियोइड, कार्डियोइड यानी बच्चों कितना आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा, ये कार्डियोइड है बच्चों के लिए वक्रता जिह्वा की लंबाई बताइए। अच्छा वक्रता जिह्वा की जो लंबाई होती है ना बच्चों, वक्रता जिह्वा की लंबाई की अगर अपन बात करें तो वक्रता जिह्वा की लंबाई जो पोल से पास होती है
ध्रुव से होकर जाने वाली। तो बच्चों ये होती है बच्चों लेंथ का अगर फॉर्मूला देखें, आज इस क्वेश्चन को थोड़ी प्लानिंग के साथ निकालना पड़ेगा। आज लेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चों टू रो साइन फाई। क्या होता है बच्चों? टू रो साइन फाई, ये फॉर्मेट बनेगा। टू रो साइन फाई ये वक्रता जिह्वा की लंबाई है बच्चों, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके अंदर जो रो है ना, इसके अंदर जो रो है ना, उस रो की वैल्यू होती है आर डी आर अपॉन डीपी। क्या होती है बच्चों? आर डी आर अपॉन डीपी, ठीक है। क्योंकि इसका जो रो होता है ना, किसका? पोलार का, वो काफी डेंजर है, काफी डेंजर, इसलिए मैं वो काम नहीं लेके ये काम ले रहा हूं, आर डी आर अपॉन डीपी। अब वहां तक जाने के लिए मैं कुछ बातें कर रहा हूं, उन बातों को सेट करना। पहले बच्चों टेन फाइव निकाल लेते हैं। टेन फाइव क्या होता है? आर डी थीटा अपॉन डी आर। हाँ जी, इस वाले फॉर्मेट से जाना, अपनी मंजिल वहां है बच्चों, मंजिल को सामने रखना। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं बच्चों? डी आर अपॉन डी थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस ए साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? डी आर अपॉन डी थीटा। बच्चों टेन फाइव, साइन फाइव भी चाहिए, इसलिए टेन फाइव भी निकालना पड़ेगा। तो आर कितना बच्चों? ए वन प्लस कोस थीटा। और डी आर अपॉन डी थीटा की अगर अपन बात करें, डी आर अपॉन डी थीटा कितना, सॉरी उल्टा, डी आर अपॉन डी थीटा उल्टा, यानी वन अपॉन माइनस ए साइन थीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। ए से ए खत्म बच्चों, टेन फाइव इक्वलेंट कितना बनेगा? टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। हाँ जी, माइनस और साइन थीटा का मतलब होता है बच्चों टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू, फॉर्मेट ये आ जाएगा। टू से टू खत्म और कोस से कोस खत्म, यानी टोटल मिला के बच्चों टेन फाइव, टेन फाइव बराबर माइनस कोट थीटा बाई टू, ये बनेगा बच्चों। एक काम करो, माइनस को अंदर खींच लो बच्चों, टेन फाइव। हाँ जी, माइनस को अंदर खींच लो, टेन फाइव बराबर कितना? कोट और माइनस थीटा बाई टू, ये बन जाएगा। एक छोटा सा काम करते हैं बच्चों, कोट फाई की वैल्यू ये बन गई। थोड़ा सा डेंजर है पर थोड़ा कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, टेन फाई कोट को बदल दो टेन, यानी टेन फाई बाई टू माइनस और माइनस थीटा बाई टू। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। टेन से टेन खत्म बच्चों, फाई की वैल्यू यहां पर आई, फाई बराबर फाइव बाई टू प्लस थीटा बाई टू। ये किसकी वैल्यू बच्चों? फाई। फाई की वैल्यू किस में ले आए बच्चों? थीटा में ले आए। अब बच्चों यहां पर मेरे को चाहिए क्या, मैं आपको बता देता हूं। पहले गुरुजी आप कहां जा रहे हो? मुझे बच्चों पी और आर में एक रिलेशन चाहिए। किस में रिलेशन चाहिए? पी और रो चाहिए, साइन फाई तो निकल ही जाएगा, रो चाहिए। तो मेरे को पी और आर में रिलेशन चाहिए, और पी इक्वलेंट होता है बच्चों आर साइन फाई। हाँ जी, पी इक्वलेंट क्या होता है बच्चों? आर साइन फाई। और पी बराबर क्या होता है बच्चों? आर साइन, और फाई की वैल्यू है पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, ये बच्चों फाई की वैल्यू होगी। हाँ जी, पी इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? आर साइन, यानी कोस थीटा बाई टू हो गया बच्चों। अब एक चीज गिवन है बच्चों अपने को, क्या गिवन है? आर गिवन है। आर बराबर कितना बच्चों? ए वन प्लस कोस थीटा, यही तो कार्डियोइड था। हाँ जी, डी आर अपॉन डी थीटा, या फिर सॉरी ऐसे कर लो, डी आर अपॉन डी थीटा को रहने दो। एक काम करते हैं बच्चों, आर अपॉन ए बराबर वन प्लस कोस थीटा होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू नीचे डिवाइड, कोस थीटा बाई टू की वैल्यू बनी कितनी? आर अपॉन टू ए का रूट, आर अपॉन टू ए का रूट। तो पी इक्वलेंट क्या बन गया बच्चों? आर और आर अपॉन टू ए का रूट, यानी टोटल अगर देखे पी कितना बना, तो आर की पावर थ्री बाई टू अपॉन टू ए का रूट बच्चों, ये पी बन गया। पी और आर में रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल बता देता हूं। रो चाहिए बच्चों, रो चाहिए, रो चाहिए, रो चाहिए, ध्यान रखना, रो चाहिए। और रो कब आएगा? पी और आर में रिलेशन। अब देखो बच्चों, पी इक्वलेंट आर की पावर थ्री अपॉन टू ए का रूट, ये पी है। पी इक्वलेंट आर की पावर थ्री अपॉन टू और टू ए का रूट ये। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? डीपी अपॉन डी आर, डीपी अपॉन डी आर वन अपॉन टू ए का रूट, थ्री अपॉन टू बार बच्चों और आर का रूट। क्यों? थ्री अपॉन टू माइनस वन बच्चों, आर का रूट आ जाएगा। लो जी आगे बढ़ाते, डीपी अपॉन डी आर ये हो गया, ये डीपी अपॉन डी आर हो गया। क्या चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए? रो चाहिए। हाँ जी, क्या चाहिए? रो चाहिए बच्चों, रो चाहिए। रो क्या होता है? आर डीपी अपॉन डी आर, आर डी पी अपॉन डी आर उल्टा, यानी वन अपॉन, वन अपॉन ये बन गया बच्चों टू। हाँ जी, डीपी अपॉन डी आर, नहीं थोड़ा सा गलत जा रहा है अपन, ये बन गया बच्चों थ्री आर का रूट, थ्री आर का रूट तो ये हो गया, और ये पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर, यानी टू और टू ए का रूट, टू इंटू टू ए का रूट। तो बच्चों रो बराबर कितना? टू अपॉन थ्री तो हो गया बार, ये टू अपॉन थ्री बार हो गया, इस आर से ये आर कटेगा, मतलब टू ए आर का रूट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? टू ए आर का रूट हो जाएगा। और लो जी ये रो आ गया। अब चलते हैं लेंथ के ऊपर। हाँ जी बोलोगे गुरु जी कहां घुमा रहे, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। लेंथ कितनी होती है? टू रो, रो कितना? टू अपॉन थ्री, और टू ए आर का क्या हो गया? रूट। और साथ में कितना बच्चों? साइन फाइव।
अब बच्चों फाई की वैल्यू अपने पास है, आज ही फाई की वैल्यू निकाल रखी है। फाई की वैल्यू कितनी, पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, तो टू इंटू टू फोर बाई थ्री बच्चो, टू आर का क्या हो गया बच्चों, रूट हो गया साइन फाई, यानी साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस कितना थीटा बाई टू बच्चों, ये बनेगा। और इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो फोर अपॉन थ्री बार आ जाएगा, टू ए आर का रूट बनेगा, और ये कितना बनेगा कोस थीटा बाई टू बनेगा, और कोस थीटा बाई टू की वैल्यू मैंने निकाल रखी, ये रही बच्चों आर अपॉन टू ए का रूट, फोर अपॉन थ्री बार आ जाएगा बच्चों, टू ए आर का रूट हो जाएगा, और आर का रूट अपॉन टू ए का रूट ये आ जाएगा। हाँ जी, यहां से आगे बढ़ते हैं, फोर अपॉन थ्री बार है बच्चों, रूट टू ए से रूट टू ए खत्म, रूट आर से रूट आर, सॉरी रूट आर कितना हो जाएगा आर, यानी आंसर कितना आएगा फोर अपॉन थ्री आर। हाँ जी, फोर अपॉन थ्री आर, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही है। अब मैंने क्या बताया आंसर, मैं आपको बता देता हूं फॉर्मेट क्या है। हाँ जी, मैंने आंसर बताया इसका थर्ड, यानी फोर अपॉन थ्री आर, मैंने भी आंसर यही बताया, फोर अपॉन थ्री इंटू क्या बन गया बच्चों आर। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, पर इनके लिए पढ़ना पड़ता है, इनके लिए पढ़ाई के लिए टाइम लगाना पड़ेगा बच्चों। आप चाहो कि भाई एक ऐसी क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाए तो नहीं बच्चों, ये उनके लिए क्लास जिन्होंने पहले से ये पढ़ रखा है या टॉपिक कवर कर रखा है। बहुत सारी कनेक्टिविटी बच्चों, और कनेक्टिविटी समझ में नहीं आएगी तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए जी आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आयलर का क्वेश्चन है ये, और सीधा क्वेश्चन है बच्चों, आयलर का क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है। क्या यहां गिन लो पावर वन और वन टू है। आयलर क्या होती है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या होता है बच्चों, एन जेड। तो यहां पर एन कितना है बच्चों, टू है, वन और वन टू, तो इसका जो आंसर पूछा है ये आंसर कितना आएगा बच्चों, टू जेड आएगा। और नॉर्मल अगर मेथड से भी अगर करोगे ना आप, तो भी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, टू जेड ही आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आयलर का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, इसमें भी थोड़ा सा कुछ बच्चों के कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ जी, इसके भी कुछ बच्चों कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा चलो, मैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल एंड सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल एंड सी टू, ये लीजिए क्रेमर रूल इस पे लग सकता है। एक तो बनेगा डेल ए वन ए टू बी वन बी टू। हाँ जी, मैं अपना एक्सप्लेनेशन रख रहा हूं, बाकी हो सकता है आरपीएससी जो आंसर देगा वो अपन सर्वमान्य होगा बच्चों। इसमें सी वन सी टू और ए वन ए टू, सॉरी सी वन सी टू और क्या बनेगा, x का कोफिशिएंट हटाना है और इसकी जगह क्या आएगा b1 b2 आ जाएगा। हाँ जी, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिक छोटे में ही बन जाएगा। इधर बनेगा बच्चों a1 a2 और क्या बनेगा बच्चों आपका c1 और c2, ये बनेगा। अब बच्चों इसमें सॉल्यूशन कैसे बनेंगे वो देखते हैं अपन। हाँ जी, नंबर एक, पहला तो ये एन चर यानी एक्स वाई, एक्स वाई इनको चर बोलते हैं बच्चों या वेरिएबल बोलते हैं। एम रेखिक समीकरण यानी नंबर ऑफ इक्वेशन, तो m बराबर n होना जरूरी है, ये तो कंप्लीट है, m बराबर n होना जरूरी है। केवल m नॉट इक्वल एंड n, ये तो गलत हो गया। अब तीन ऑप्शन बचे, m बराबर n और m बराबर n, ठीक है, तीनों ऑप्शन अभी तक सही है। जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होनी चाहिए, जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होने चाहिए। ये क्या है, वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। हाँ जी, और यहां पर m क्या है बच्चों, m है नंबर ऑफ इक्वेशन, ध्यान रखना m क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी यहां पर m बच्चों, ठीक है जी। ये फॉर्मेट बन गया, ये पहली बात तो समझ में आ गई होगी क्या चाहिए। अब बच्चों यहां पर इसका रूल क्या होता है वो समझिए। हाँ जी, नंबर एक, डेल्टा नॉट इक्वल एंड जीरो, तो बच्चों होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता है यूनिक। अच्छा, x क्या होता है, डेल x अपॉन डेल, और y क्या होता है बच्चों, डेल y अपॉन डेल। मैंने जो चौथा आंसर दिया ना, केवल m बराबर n, इसके पीछे ये मेरे को आगे के कंसेप्ट भी कुछ पता थे, इसलिए मैंने चौथा आंसर दिया बच्चों। डेल अगर नॉट इक्वल एंड जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इस यूनिक सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, पहला कंसेप्ट ये। पर दूसरा कंसेप्ट ये, अगर डेल नॉट इक्वल एंड जीरो होता है, डेल नॉट इक्वल एंड जीरो होता है, ध्यान रखना डेल नॉट इक्वल एंड जीरो होता है, तो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक तो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल एक्स डेल वाई बराबर जीरो हो, यानी एक्स क्या बनेगा, जीरो बटा जीरो बनेगा, और वाई क्या बनेगा, जीरो बटा जीरो बनेगा। पर बच्चों मैथ इसको अलाउ करती है, मैथ इसको अलाउ करती है, जीरो बटा जीरो का एक सॉल्यूशन होता है बच्चों, जीरो बटा जीरो का एक सॉल्यूशन होता है, इस जीरो बटा जीरो का भी एक सॉल्यूशन होता है। तो मैथ इसको अलाउ करती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बच्चों चांस है, और चांस के हिसाब से मैंने चौथा ऑप्शन बोला है, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है,
और गुणांक आव्यूह व्युत्क्रमणी, व्युत्क्रमणी का मतलब डेल्टा नॉट इक्वलेंट जीरो, और अव्युत्क्रमणी मतलब डेल्टा इक्वलेंट जीरो। तो बच्चों यहां पर जब डेल जीरो होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है, उस समय बच्चों सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाँ जी, सॉल्यूशन पॉसिबल है, देखिए सॉल्यूशन पॉसिबल है, पर डेल अगर जीरो होता है तो डेल एक्स और डेल वाई में से एटलीस्ट वन, हाँ जी एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो तो बच्चों नो सॉल्यूशन आता है। तो बच्चों इस वाले केस के अंदर ये आरपीएससी डिसाइड करेगा बच्चों क्या आएगा आंसर। हाँ जी, क्या कह रहा है बच्चों कि एक तरफ डेल का जीरो होना नो सॉल्यूशन की ओर इंगित करता है, तो एक तरफ बच्चों सॉल्यूशन की तरफ भी इंगित कर रहा है। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चलो इसमें क्या है बच्चों, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि अव्युत्क्रमणी, ये तो गलत कर रहे हैं सब लोग, फर्स्ट और थर्ड तो सब गलत कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे सेकंड ऑप्शन के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि डेल्टा अगर नॉट इक्वलेंट जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, पर अगर डेल्टा अगर जीरो हो गया तो सॉल्यूशन के दो चांस है, या तो इनफाइनाइट बनेगा या फिर क्या बनेगा बच्चों नो सॉल्यूशन। तो बच्चों अपन इसके साथ जाना गलत हो जाएगा इस ऑप्शन के साथ, क्या कि नो सॉल्यूशन बना, नहीं भी तो बन सकता है, और नहीं बना तो फिर ये ऑप्शन गलत है, नहीं बना तो आपका आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना वो गलत है, व्युत्क्रमणी मतलब जिसका इनवर्स हो। तो क्रेमर रूल ने तो इन्वर्स पे कभी काम ही नहीं किया, मैट्रिक्स के कभी इन्वर्स पे काम किए नहीं, आव्यूह पे कभी काम किए नहीं, वो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे बात करता है और डिटरमिनेंट की वैल्यू पे बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये रूल तो फॉलो हो रहा है बच्चों, और ये रूल फॉलो हो रहा है इसलिए मैंने आंसर कौन सा दिया बच्चों इसके अंदर, चौथा आंसर दिया। हाँ जी, इसकी वजह से मेरा अपना व्यू मैं अपने आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। बाकी किसी बुक के अंदर, किसी भी एनसीईआरटी वगैरह कोई भी जो स्पेसिफिक बुक है उसके अंदर अगर इसका कोई लॉजिक मिलता है तो आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में उसका एक फोटो खींच के जरूर भेजिएगा, ठीक है। मैंने अपना व्यू रखा है कि हाँ चांस पॉसिबल है, ये चांस पॉसिबल है, नकारा नहीं जा सकता है, नो सॉल्यूशन नहीं बोला जा सकता है। डेल अगर नॉट इक्वलेंट जीरो हो गया, डेल अगर जीरो हो गया तो भाई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये थोड़ी सी गलत है। तो ये एम बराबर एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम बराबर एन होना चाहिए, मतलब जितनी इक्वेशन भाई डेल डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कब बनेगा, जब एम बराबर एन होगा, बाकी जीरो हो या नहीं हो उसका तो कोई पहलू है ही नहीं। जीरो अगर होता है, नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और होता है तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, और जब सॉल्यूशन मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है भाई, डेल्टा के जीरो होने या नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, इसलिए मैं ऑप्शन कौन सा दे रहा हूं यहां पर, चौथा। बाकी अपन आरपीएससी के आंसर किस का अपन वेट करेंगे, वो आंसर किस क्या देती है। हाँ जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ बदल सकता है या फिर बदलाव हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं भाई इसका चांस भी ऐसा हो सकता है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे बढ़ते। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, इसका मैं मेथड सामने रख रहा हूँ। हाँ जी, इसका मेथड सामने रख रहा हूँ, सेट करना। जेड इक्वलेंट कितना गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स और प्लस टू अपॉन वाई, फॉर्मेट ये दे रखा है। हाँ जी, ये फॉर्मेट दे रखा। अब क्या करें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आएगा बच्चों, टू एक्स, वाई स्क्वायर का जीरो माइनस टू अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसको जीरो पुट करते बच्चों, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वलेंट जीरो, टू कॉमन जीरो में चला गया, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वलेंट जीरो, यानी x इक्वलेंट कितना आया बच्चों, वन आया, सिर्फ वन ही आएगा, दो वैल्यू आयोटा की आएगी, चेक करना है। दूसरा बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल वाई सेम बनेगा बच्चों, टू वाई माइनस टू अपॉन वाई स्क्वायर ये बन जाएगा बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट करने से पैदा हुआ। हाँ जी, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या पुट कर दो बच्चों, जीरो। हाँ जी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, सेम वैल्यू आएगी, दोनों मिला के पॉइंट कितना बना बच्चों, 1 1, ध्यान रखना। अब बच्चों क्या चाहिए, RST चाहिए, R बच्चों डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करो 2 बार, माइनस बच्चों x की पावर माइनस 2 यानी प्लस 4 अपॉन x की पावर 3। हाँ जी, s क्या आएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, y वाले का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा, और RST ठीक क्या बनेगा बच्चों, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फॉर्मेट ही आ जाएगा। डेल वाई स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो सेम आएगा बच्चों ये वाला, यानी 2 प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब आ जाएगा। लो जी, ये फॉर्मेट बन गया। अब बच्चों क्या, एक टेबल बना लीजिए, नाम क्या होगा, R, फिर क्या होगा S, फिर क्या होगा T, फिर क्या होगा बच्चों RT माइनस S स्क्वायर, फॉर्मेट ये आ जाएगा, और फाइनल क्या होगा बच्चों, रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा। हाँ जी, रिजल्ट क्या आएगा, तो पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, 1 1, यही निकला एक ही पॉइंट। R कितना आएगा, 6, S कितना आएगा, 0, T कितना आएगा, 6, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ जी, R भी पॉजिटिव है और RT माइनस S स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो बच्चों ये बनेगा मिनिमम या लोकल मिनिमम, क्या बनेगा, मिनिमम, मिनिमम 811। हाँ जी, क्या बनेगा, मिनिमम 811, 11 पर स्थाई न्यूनतम, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा,
लोकल मैक्सिमा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। हाँ जी, और ये आंसर मैंने फर्स्ट सही लगाया था, फिर भी बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे। तो बिल्कुल बच्चों इसका ध्यान रखना कि इसका जो आंसर है ना वो कौन सा आएगा, बच्चों आपका फर्स्ट ही आएगा वन वन पर स्थानीय न्यूनतम। वन वन पर क्या आएगा, स्थानीय न्यूनतम। बाकी मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया, इस फॉर्मेट को सेट करना। लो जी इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है गलत नहीं बच्चों, सही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हाँ जी कितना गिवन है वन अपॉन एक्स, माइनस का कितना है बच्चों कोट एक्स। चलिए जी कुछ बच्चों कमेंट आया इसके अंदर, गुरुजी ये क्वेश्चन गलत है, तो गलत नहीं है इसको सही कर लेते हैं। बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हाँ जी वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स लिख सकता हूं बच्चों। सॉल्व करोगे तो नहीं होगा बच्चों, लिमिट का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया बच्चों जीरो, ये कितना हो गया बच्चों टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया बच्चों एक्स टेन एक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं बच्चों, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, नीचे भी एक्स लगा देते हैं और ऊपर भी एक्स लगा देते हैं। मैथमेटिक्स में लगा सकते हैं बच्चों ऐसे, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाऊं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, यानी कितना हो गया बच्चों टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर। फॉर्मेट ये आ जाएगा, हाँ जी लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया बच्चों जीरो। अब जीरो लगाऊं तो जीरो अपॉन जीरो बनेगा और जीरो अपॉन जीरो डीएल लगेगा, टेन एक्स का बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया टू एक्स। फिर से लिमिट लगाओ बच्चों, एक्स टेंड्स टू जीरो लगाऊंगा, जीरो अपॉन जीरो फिर से बनेगा, हाँ जी सेक जीरो की वैल्यू वन होती है। फिर से बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया जीरो, सेक स्क्वायर का बच्चों टू सेक एक्स और सेक एक्स का क्या हो गया सेक एक्स टेन एक्स, हाँ जी माइनस वन का जीरो और ये कितना हो गया टू। अब जब लिमिट लगाऊंगा तो टेन जीरो बच्चों जीरो पॉइंट टू आएगा और जीरो पॉइंट टू जो भी आएगा बच्चों जीरो बनेगा, क्या बनेगा बच्चों जीरो। तो इसका आंसर अगर अपन देखें तो आंसर क्या आएगा बच्चों जीरो, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल 100% क्या है बच्चों सही है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था बच्चों, इस क्वेश्चन को भी देखिए। केंद्रज क्या चाहिए, केंद्रज यानी इवोल्यूट, इवोल्यूट चाहिए। तो बच्चों इवोल्यूट के लिए इसकी आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद होनी चाहिए। नॉर्मल का जो एनवलप होता है, नॉर्मल का जो एनवलप होता है उसको इवेल्यूट बोलते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इस इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है बच्चों y बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम और माइनस ए एम क्यूब, ये बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनती है। और नॉर्मल का जो एनवलप होता है, नॉर्मल का जो एनवलप होता है वो इवेल्यूट कहलाता है। नॉर्मल का जो एनवलप होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इवेल्यूट बोला जाता है। हाँ जी तो क्या करें बच्चों, हाँ जी इस इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके बच्चों एम के, किसके रेस्पेक्ट पार्शियल करना है एम के बच्चों जीरो, ये कितना होगा एक्स माइनस कितना बच्चों टू ए माइनस थ्री ए एम स्क्वायर, क्या चाहिए बच्चों एम चाहिए, तो टू ए माइनस एक्स, या फिर एक काम करो इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाइए, इसको अगर इधर लाते हैं बच्चों तो कितना बन जाएगा 3 ए एम स्क्वायर इक्वलेंट बच्चों x माइनस टू है, हाँ जी एम स्क्वायर इक्वलेंट कितना x माइनस टू है अपॉन कितना हो गया बच्चों 3 ए, हाँ जी फिर आगे बढ़ाते m इक्वलेंट कितना x माइनस टू है अपॉन 3 ए का रूट बच्चों, ये बन जाएगा। हाँ जी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से m खत्म करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या खत्म करना है बच्चों m, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या खत्म करना है एम, हाँ जी एम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को मिला लो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर थोड़ी प्लानिंग के साथ, हाँ जी वाई बराबर कितना बच्चों एम, देखो यहां से एम बाहर ले लेते बच्चों, एम बाहर ले लेते तो एम की वैल्यू कितनी एक्स माइनस टू ए अपॉन थ्री ए का रूट, हाँ जी एम बाहर लेके पुट कर रहा हूं थोड़ी प्लानिंग के साथ, तो कितना हो गया बच्चों एक्स माइनस टू ए, हाँ जी ये बन गया और माइनस कितना बार लिया m बार लिया था x माइनस टू है माइनस a और बच्चों m स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी x माइनस टू है अपॉन 3a के रूट का होल स्क्वायर, 3a के रूट का होल स्क्वायर, तो बच्चों बिल्कुल ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते अब यहां से आगे, हाँ जी x माइनस टू है देखो x माइनस टू है फिर से बार ले लेते हैं, फिर से बार ले वे, तो x माइनस टू है की पावर कितनी आधा और एक कितना थ्री बाई टू अपॉन क्या हो गया बच्चों थ्री ए का रूट, और इधर से बच्चों x माइनस टू ए बाहर ले लिया तो कितना बचा 3a माइनस a अपॉन कितना बच्चों 3a, ये आ जाएगा 3a माइनस a, 3a माइनस a अपॉन कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। लो जी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, कितना हो गया बच्चों हाँ जी 3a माइनस a यानी y इक्वलेंट कितना x माइनस टू ए की पावर 3 अपॉन 2 होल अपॉन बच्चों 3a का रूट इनटू बच्चों 3a माइनस 2a, 2a से 2a खत्म 1 अपॉन 3,
एक काम करो, इन दोनों को इधर भेजाओ, 3√3ay इक्वल एंड बच्चों एक्स माइनस 2a का पावर कितना बच्चों 3/2, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27ay स्क्वायर इक्वल एंड एक्स माइनस 2a का होल क्यूब। हाँ जी, इसका आंसर आएगा बच्चों 27। हाँ जी, इसका आंसर बन जाएगा बच्चों आपका 27ay स्क्वायर दो ही ऑप्शन में आ रहा है, और एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर। देखो कहीं अपन ने छोटी सी गड़बड़ करी है बच्चों। अच्छा 3a माइनस 2a, अच्छा 3a माइनस 2a, 2a a से a कट गया तो ये 2 बचा, और ये 2 बचा तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 आया और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चों। तो आंसर आएगा 4x माइनस 2a का होल स्क्वायर, यानी आंसर डी आ रहा है बच्चों इसका। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? डी आ रहा है। हाँ जी, 4x माइनस 2a का होल क्यूब और 27a क्यूब, चौथा आंसर आ रहा है बच्चों इसका, 4x माइनस 2a का होल क्यूब और 27ay स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों, चौथा आंसर इसका एग्जैक्टली इसका सही है। समझ में आ गया होगा बच्चों, नॉर्मल का एनवलप जो होता है वो इवेल्यूट कहलाता है, और टेंजेंट का जो एनवलप होता है उसको एनवलप कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे आइए, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, वक्र दे रखी है बच्चों एक्स अक्ष के समांतर। बच्चों एक्स अक्ष के समांतर चाहिए तो वाई की हाईएस्ट पावर टारगेट करो, वाई की हाईएस्ट पावर देखो, एक तो ये रहा बच्चों, और एक बच्चों आपका वाई की हाईएस्ट पावर, नहीं एक्स अक्ष के, थोड़ी सी गलती कर दी बच्चों, एक्स अक्ष के समांतर चाहिए ना तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखो, तो एक तो ये रही बच्चों, एक ये रही। हाँ जी, एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ ले लो, कितना वाई स्क्वायर माइनस 4, एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ वाले को जीरो पुट करते हैं तो एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाएं आ जाती है, यानी वाई बराबर प्लस माइनस 2। हाँ जी, आंसर क्या आएगा बच्चों? वाई बराबर प्लस माइनस 2। ये थोड़ा जल्दी वाला क्वेश्चन था, इजी था। देखो क्या करना है, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श चाहिए तो एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ वाले को जीरो पुट कर दो, एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ वाले को जीरो पुट कर दो, एक्स की हाईएस्ट पावर ये रहा बच्चों 2 है और ये रहा बच्चों 2 है, इनके साथ ही यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 को क्या पुट कर दो, 0, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगी बच्चों, एजम्प्टोट। और अगर ये बोलता वाई एक्स के समांतर चाहिए तो वाई की हाईएस्ट पावर के साथ ही को जीरो पुट कर दो, तो सीधा सा आंसर आपके पास आ जाएगा। लो जी, ये क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिया था, फिर भी एक बार अपन वापस देख लेते हैं, जिन बच्चों के पास वो वीडियो नहीं गया है वो चीज। हाँ जी, बीटा 2/3 और 4/3। हाँ जी, बीटा एम एन, बीटा एम एन का मतलब होता है बच्चों गामा एम, गामा एन अपॉन एम प्लस एन का गामा, ये फॉर्मेट होता है बच्चों। गामा के कुछ फंक्शन आने चाहिए और क्वेश्चन 100% आता है, और अच्छा क्वेश्चन बच्चों। क्या करें बच्चों, इधर बच्चों 2/3 का गामा, हाँ जी 4/3 का गामा, नीचे बच्चों 2/3 4/3 यानी 3 6/3 यानी 2 का गामा। अच्छा, गामा के कुछ कंसेप्ट देख लो बच्चों, गामा 1 की वैल्यू होती है 1, गामा हाफ की वैल्यू होती है बच्चों √π। हाँ जी, एन प्लस 1 का गामा होता है बच्चों एन गामा एन, ध्यान रखना एन गामा एन। अब इन कंसेप्ट में से यहाँ कंसेप्ट लगा रहा हूं सेट करना। एक तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 का गामा, हाँ जी इसको लिख सकता हूँ बच्चों 1+1/3 का गामा, हाँ जी एन गामा एन, चलो एन गामा एन के लिए जुगाड़ बना रहा हूँ, 1/3+1 का गामा, और इसको लिख सकता हूँ बच्चों 1+1 का गामा। अब बच्चों एक एक चीज बनाओ, तो यहां से तो 1/3 बाहर आ गया और 1/3 का गामा अंदर बच गया, और ये 2/3 का गामा है, और 1+1 का गामा मतलब 1 गामा 1 हो गया, गामा 1 की वैल्यू 1 होगी, यानी 1/3 बाहर आ गया, 1/3, और बच्चों इसको लिख सकता हूं मैं 1/3 माइनस 1, 1 माइनस 1/3, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी बच्चों, क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। एक कंसेप्ट और है बच्चों, गामा एम इंटू गामा 1 माइनस एम, एम का गामा और 1 माइनस एम का गामा का मतलब होता है बच्चों π/sin m π, ध्यान रखना π/sin m π इसका मीनिंग होता है, तो नीचे वाली वैल्यू भी तो 1 होगी बच्चों 1/3 बार। अच्छा, एम का गामा और 1 माइनस, तो π/कितना बच्चों sin π/3 ये बन जाएगा, यानी बच्चों 1/3 बार पाई ये रह गया, और sin π/3 बच्चों √3/2 ये हो जाएगा, ऊपर भेज दीजिए कितना हो जाएगा 2π/3√3, क्या बनेगा बच्चों 2π/3√3, 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 कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, ये भी हमेशा पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, और इसको तैयार करना है आप सबको। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, ये लांगराज का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन,
ये आपका लांगराज का क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका न्यूनतम मान चाहिए, तो u बराबर, इसका न्यूनतम मान चाहिए यानी u बराबर बच्चों कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और v बराबर कितना बच्चों, ax प्लस by प्लस cz और माइनस p इक्वल एंड जीरो बच्चों। और लांगराज इक्वेशन क्या होती है, तो w बराबर u प्लस लैम्डा v, ये लांगराज होती है। तो w बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ जी, प्लस लैम्डा, और v की वैल्यू बच्चों ax प्लस by प्लस cz और माइनस p, ये हो जाएगा। हाँ जी, डेल w अपॉन डेल x करें तो बच्चों आ जाएगा 2x प्लस लैम्डा a, हाँ जी, बाकी सबका जीरो हो जाएगा बच्चों। डेल w अपॉन डेल y करें, डेल w अपॉन डेल y तो बच्चों 2y और प्लस b लैम्डा। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों, हाँ जी, डेल w अपॉन डेल z करें बच्चों तो 2z और प्लस c लैम्डा, फॉर्मेट ये आएगा। हाँ जी, x की वैल्यू यहां से माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा a अपॉन 2, y की वैल्यू बच्चों यहां से माइनस b लैम्डा अपॉन 2, और z की वैल्यू यहां से माइनस सी लैम्डा अपॉन 2। हाँ जी, ये जो x y z है इसमें लगा दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अच्छा, ये कैसे आया, डेल w अपॉन डेल x जीरो, ये कैसे आया, डेल w अपॉन डेल y जीरो, ये कैसे आया, डेल w अपॉन डेल z जीरो। हाँ जी, x y z यहां लगाते हैं, हाँ जी, इस वैल्यू में लगाते हैं a माइनस लैम्डा a अपॉन 2 प्लस b माइनस लैम्डा b अपॉन 2 प्लस c माइनस लैम्डा c अपॉन 2 इक्वल एंड, या माइनस p इक्वल एंड जीरो। माइनस माइनस सब में से कॉमन आ गया, हाँ जी, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, हाँ जी, ये बन गया, ये पूरा ये हो गया, साथ में बच्चों लैम्डा। और इधर से फॉर्मेट अगर देखे, तीनों फॉर्मेट देखे तो माइनस 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 जीरो में आ गया, यानी माइनस पी हो जाएगा। हाँ जी, लैम्डा इक्वल एंड बनेगा माइनस टू पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ जी, ये वैल्यू बन जाएगी। और इस लैम्डा की वैल्यू यहां लगाए तो एक्स मिलेगा, ये लैम्डा की वैल्यू यहां लगाए तो एक्स मिलेगा। देखो, माइनस माइनस हो गया प्लस बच्चों, ये नीचे 2 है, ये 2 से खत्म हो गया, तो लैम्डा बराबर पी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक्स आएगा। वाई बराबर सेम पी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। और जेड बराबर बच्चों आएगा पी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और आपको क्या चाहिए बच्चों, क्या पूछा है, न्यूनतम मान चाहिए, और न्यूनतम मान किसका पूछा है, इसका पूछा है, इसका, तो इसके अंदर जाके u में जाके इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू बताइए, यानी क्या बनेगा, p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर होल अपॉन, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। कॉमन बच्चों p स्क्वायर आ जाएगा, अंदर बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इससे ये खत्म हो जाएगा बच्चों, और आंसर आएगा p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ जी, p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसके अंदर, ऑप्शन आपका एग्जैक्टली यहां पर 100% सही है। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन का बच्चों स्लॉट मैंने आपके सामने रखा है, सोल्व कैसे करना, किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, ये मैंने रखा है। हाँ जी, ये एक पार्ट लेके आया मैं आपके लिए, ये इसको रेडी कीजिए बच्चों। हाँ जी, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, ये थोड़ा सा बच्चों आप करते जाइए, और जो बच्चे आपके साथी है जो नहीं जुड़े हुए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से आप जोड़िए, मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की 100% तैयारी बच्चों करवाता हूँ। हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में अपन पुनः मिलते हैं।